करवा चौथ त्यौहार को लेकर साड़ी की दुकानों पर साड़ी खरीदने वालों की खूब भीड़ नजर आई। अब त्यौहार आने में मात्र एक दिन का ही समय बचा है। एक दिन के समय को देखते हुए महिलाओं ने खूब खरीदारी की। बाजार में साड़ियों की सैकड़ों वैरायटी उपलब्ध हैं। सभी तरह की साड़ियों की मांग बाजार में देखी गई। करवा चौथ त्यौहार को लेकर के महिलाओं में किस तरह से उत्साह है, ये एक साड़ी की दुकान पर हम लोग इसमें हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से लोग जो है महिलाएं यहाँ पर खरीदारी कर रही हैं। क्योंकि अब एक दिन का समय रह गया केवल, अब ज़्यादा इनका समय नहीं है, तो अब खरीदारी करने के बाद फिर क्या कैसे इनके सिले जाएंगे ब्लाउज वगैरह ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ आप देखें, तस्वीर काफ़ी ऐसी है कि जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं। जहाँ लेडीज आई हैं तो उनके हस्बैंड भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो ज़रा हस्बैंड से बात करते हैं इस त्यौहार को लेकर के कितने खुश हैं वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार राघव। तो राघव साहब, आप थोड़ा सा कुछ खुशी दिख नहीं रहे मुझे, खुश नहीं दिख रहे हैं आप। कहाँ से खुश दिखेंगे, आपको पता ही है कितना खर्चा हो रहा है, तो खुश कहाँ से दिखाई देंगे। इतना खर्चा होने में खुश दिखाई देगा आदमी? मेरे को तो आप इसलिए तो देख रहे हो तो खरीद नहीं रहे, इसलिए खुश दिखाई दे रहे हो। हमने तो पहले खरीदारी कर ली है। लेकिन ये बताइए, एक साल भर में एक ही बार मौका आता है पत्नियों का, जिस दिन आपको बात होती है, आपसे कहती हो एक दो साड़ी ठीक है, चार चार साड़ी क्या है? हो सकता घर में और भी लोग हो, ऐसा होता तो फिर क्यों? आप घर के मुखिया हो सकते हैं ना? हाँ जी, कई लोग हो सकते हैं आपके साथ में, भाई सिस्टर हो सकती हैं, या आई हो, या और बहुएं हैं उनकी लेनी है आपको, है? चलो हाँ, वो तो है जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा अंजू राघव। आपके पति हैं ये? तो परेशान क्यों है, आपने परेशान करके रख दिया है? अब परेशान तो भाई सभी होते हैं आज के ज़माने में, ये अकेले परेशान नहीं है। क्या 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 कितनी साड़ियाँ ली आपने? अभी तो हम दो तीन ही चॉइस करेंगे, अभी तो देख ही रहे हैं हम। तो आप लोग इतना लेट ले रहे हैं, तो इसे बनाएंगे कैसे? कोई नहीं, हम खुद बना लेते हैं। अच्छा, तो कितने पसंद आई अभी आपको? अभी तो तीन चार ही करी हैं, अभी तो और चल रही है अभी तो। और तो अभी देखिए, ये हस्बैंड वाइफ है, अच्छी बात है यहाँ मिल गई है। और भी हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर या मौजूद है, इनसे ज़रा बात करते हैं। भैया जरा इधर घूमिए, थोड़ा सा हंसिए जरा एक मिनट। बिल्कुल हंस ही रहे, थोड़ा परेशान लग रहे हैं मुझे कुछ आज। परेशान नहीं लग रहे हैं, परेशान ये लग रहे हैं सर कि कलर और इसमें चॉइस इतनी है कि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। तो ये है कि जो भी सिलेक्टेड पीस मिल जाए तुरंत पसंद कर लिया जाए। तो कितने साड़ियाँ दिलवा रहे हैं आज? तीन तो पसंद कर लिए, बाकी का देखो, अगर एक आध और पसंद आ जाती है तो। नई वैरायटी आई है, महंगी होंगी? हाँ महंगी तो है, पहले से है। जी पहले से महंगी। कितने से पैसा इकट्ठा किया था आपने आज के लिए? अब पूरा साल ही लग जाता है इकट्ठा करने के लिए, त्योहारों के लिए तो ये है, करता ही है आदमी, बचत करता है, हर महीने बचत करेगा तो साल में त्योहार पे तो चाहिए ही। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है जी। अच्छा, आप भी साड़ी लेने आई है? नहीं नहीं, मैं तो इनके साथ। आपने कुछ पसंद किया यहाँ पे? नहीं, हाँ दो करी है। महंगी साड़ियाँ देखी है या सस्ती सस्ती देखी है आपने? महंगी सही है, मीडियम है। एक सेकंड थोड़ा सा, आप बताइए, आप खुश नजर आ रही, थोड़ा त्यौहार है मुझे लग रहा है। बिल्कुल त्यौहार ही ऐसा है, तो जी त्यौहार ही ऐसा है, तो खुशी की तो। किस तरह से देखिए, त्यौहार बहुत सारे आते हैं, दिवाली भी आती है, होली भी आती है, रक्षाबंधन भी आता है, नौ दुर्गे भी आते हैं, लेकिन ये त्यौहार चूंकि एक अलग टाइप का त्यौहार है, क्या कैसे मनाते, कैसा इंतजार करते हैं आप लोग इसका? बिल्कुल रात को मतलब पूजा होती है, सारी सुहागने एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, काफ़ी इंजॉय होता है। कितनी साड़ियाँ खरीद डाली आपने? एक अपने लिए, एक अपनी सासू माँ के लिए। खुश है? बिल्कुल खुश है सभी, चूँकि त्यौहार है, हमारे हिंदुस्तान का परंपरागत त्यौहार है ये, और इसको मनाने के लिए सभी लोग उत्साहित ललायत रहते हैं। अब हम जरा बात करते हैं, जो दुकानदार हैं, किस तरह का ट्रेंड बदला है, क्या कुछ ट्रेंड में नई साड़ियाँ कुछ आई हैं, या फिर वही साड़ियाँ अभी भी बिक रही हैं, या कुछ मार्केट में नई चीज़ें आई हैं, जरा हम बात कर लेते हैं इनसे ज़रा जी। आप ये बताइए कि किस तरह की साड़ियों की डिमांड ज़्यादा है इस समय? ऑर्गेंजा और सिल्क सबसे बेस्ट डिमांड चल रही है इन दोनों साड़ियों की। हाँ, तो इसकी कॉस्ट क्या है वैसे? 1500 से ऊपर ही ऊपर सिल्क, ये सारा रखा हुआ 1500 से प्लस में, 2, 2.5, 4, 5, 10 जितना आप कस्टमर के ऊपर है। पैसा है लोगों पे और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। आप तस्वीर देखें कि अगर ये खरीदारी नहीं कर रहे तो लोग दिखाते नहीं, तो इतनी सारी साड़ियाँ जो है बिखरी हुई नहीं पड़ी होती, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं इसमें, और तमाम तरह की वैरायटी, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए लोगों में थोड़ा सा
दिक्कत तो होती है पसंद करने में। एक आंटी यहाँ बैठी हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं, जरा क्या क्या पसंद कर रही हैं। आंटी क्या खरीद रही हैं आज? ये साड़ी खरीद रही हैं। तो किस तरह की वैरायटी, कुछ नई आई है या पहले जैसी पहनते थे आप लोग वही हैं अभी? नहीं, वैरायटी कोई समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों पता नहीं, ज्यादा है। सब पैटर्न चेंज हो गया है। अच्छा, हाँ। पहले चॉइस कम थी, वैरायटी कम थी, अब ज्यादा बढ़ गई क्या? हाँ, ज्यादा बढ़ गई है। तो देख रहे हैं आप, साड़ियों के बिखराव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों ने खरीदारी की होगी, किस तरह से लोगों को दिखाया गया होगा। ये करवा चौथ त्यौहार के व्रत की तैयारी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये एक साड़ी सेंटर के हम आपको इस शॉप की तस्वीर दिखाया हमने, किस तरह से लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, महिलाएँ किस तरह से उत्साहित है इस त्यौहार को लेकर के। कलर पसंद आ जाए, डिजाइन पसंद आ जाए, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए जो है यहाँ पर इस समय बाज़ार में खूब खरीदारी हुई है। कैमरा पर्सन मनोज साध विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।